नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी साल है, लिहाजा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार ऐसे क्रांतिकारी फैसले लेने में जुटी हुई है, फिर वो चाहे बात किसानों की कर लें या मध्य प्रदेश में सुरक्षा इंतजामों की कर लें। कुछ ऐसा ही बड़ा बयान और बड़ा संकेत दिया है सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कवायदों की। इंदौर और भोपाल ये दो ऐसे बड़े हलचल भरे केंद्र हैं जिसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर देखती है। और क्या आने वाले दिनों में कमिश्नर प्रणाली लागू करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति में चारों खाने चित करने की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बताएंगे कि इस पूरी कवायद के पीछे क्या है गहरी साजिश और कहां से सियासत की बू भी आ रही है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी युवराज सिंह। युवराज, सबसे पहले बताएं दर्शकों को कि आखिर ये कमिश्नर प्रणाली के क्या साइड इफेक्ट्स मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, और सीधे तौर पर बात की जाए तो क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कमिश्नर प्रणाली को लेकर। जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जब से कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कवायद शुरू हुई है तब से राजनीतिक गलियारों और अफसर आला अफसरों में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 34 साल पहले कमिश्नर प्रणाली का भारत देश में सबसे पहले खाका तैयार हुआ था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सन 1978 की बात है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दो IPS अधिकारियों को कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कवायद सौंपी थी। बिल्कुल उसी वक्त IOS लॉबी भारी हो गई थी IPS अधिकारियों पर और उन्होंने यह प्रणाली लागू नहीं होने दी थी। जी, आपको बता दूं कि आज से ठीक 6 साल पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने इसी तरह की कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। जी, तब भी चुनावी संग्राम, तब भी चुनाव का दौर था और आज भी ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव के चलते एक तरीके से ये राजनीतिक स्टेप भी हो सकती है जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राजनीतिक दांव खेला है। बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं कमिश्नर प्रणाली के। सीधे तौर पे खाकी वर्दी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इतने अधिकार दिए गए हैं और अब सीधे तौर पे फैसला उनके हाथ में आ चुका है। जिला अधिकारी की परमिशन की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद रासुका लगा सकते हैं, खुद धारा 144 का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ये सब वो कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में और बढ़ भी सकता है, वहीं राजनीतिक दबाव भी पुलिस पर काफी हद तक कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद उनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवराज, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो है, जो कि गौर करने वाली है और जो कि जनता से सीधे तौर पर सरोकार भी रखती है, जहां एक और IPS एसोसिएशन ने इस पूरी कवायद का समर्थन किया है और सीधे तौर पर इसे एक जवाबदेही बड़ा बड़ा क्रांतिकारी फैसला बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे का जो पहलू है वो ये हमें बताता है कि जो IAS लॉबी है वो कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर इनकार करती आई है हमेशा से। और मध्य प्रदेश में जैसा कि लगातार राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं रहती हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर अफसरशाही हावी है, और शायद इसी आरोप को धोने के चलते राजनीतिक तौर पर यदि देखा जाए तो इसके कई मायने हैं, और इस आरोप से बचने का सीधा और स्पष्ट रास्ता है तो वो है एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है कि वो यदि कमिश्नर प्रणाली इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में लागू कर देते हैं तो कुछ हद तक इस आरोप से वो किनारा कर पाएंगे। बहरहाल, यहाँ पर अब देखना ही होगा कि क्या वाकई में समाज सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि यदि IAS के हाथ में कमान हो या IPS के हाथ में कमान हो, इस दोनों ही सिस्टम की सही मायने में सार्थकता तभी है जब समाज सुरक्षित हो। जाते जाते युवराज, एक और आप हमें हमारे दर्शकों को अपडेट करें कि यदि मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होती है तो सीधे तौर पर समाज को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, और इसके क्या आपको लगता है कि सीधे तौर पर दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यह निश्चित तौर पर यदि कमिश्नर प्रणाली इंदौर और भोपाल शहर में लागू होती है तो आपको बता दूं कि धारा 144 का अधिकार सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर के हाथों में आ जाएगा। उसको ना तो जिला अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत है, ना किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत है। वहीं जो छोटी मोटी धाराओं में जो जमानत
एसडीएम कोर्ट्स के द्वारा मिलती थी वो अब सीधे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएंगे जी। वहीं निश्चित तौर पे एक ये भी देखा जा रहा है कि जो फायर के लिए एनओसी दी जाती थी उसके लिए जिला प्रशासन की परमिशन ली जाती थी, परंतु अब सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर इसकी परमिशन दे सकते हैं। वहीं हथियारों के लाइसेंस जो के सीधे सीधे जिला अधिकारी के पास इसका अधिकार रहता था हथियारों के लाइसेंस देने का, अब वो भी पुलिस कमिश्नर के हाथों में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहेंगे अब देखना होगा भविष्य में क्या रंग खिलाता है ये जो बड़ा फैसला है। यदि मध्य प्रदेश में से लागू किया जाता है तो इसके क्या सियासी माने निकल कर आते हैं और समाज में और जनमानस में क्या इसकी प्रतिक्रिया निकल कर आती है। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा एमपी न्यूज पर। हम फिर लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद और आपको फिर बताएंगे कि जनता क्या कहती है, अधिकारी क्या कहते हैं और क्या वाकई में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 56 इंच का सीना लेकर ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला ले पाती है। फिलहाल बारी है छोटे से अंतराल की, फिर हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद।